इसी के साथ वक्त हो चला है अब संजीवनी टिप्स का। जानते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से कि गोंद हमारे लिए कितना फायदेमंद है। डॉक्टर साहब, गोंद क्योंकि अब सर्दियां हैं तो बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है, लड्डू भी हम बनाकर खाते हैं, गोंद के लड्डू शुरू भी हो गए होंगे, तो गोंद के क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए, गोंद पहले तो समझ लीजिए गोंद होता क्या है। किसी भी वृक्ष में हम जब कट लगाते हैं तो उसके अंदर से एक लिक्विड निकलता है, वो जब जम जाता है तो उसको गोंद बोलते हैं। बहुत सारे पेड़ हैं, उनमें सबका गोंद निकलता है। आमतौर पर जो गोंद के लड्डू बनते हैं तो वहाँ कीकर का गोंद या बबूल का गोंद उसको बोलते हैं, उसका प्रयोग होता है। वो पौष्टिक है, वो रसायन है, ख़ास तौर से हमारे जोड़ों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए बहुत गुणकारी है। गोंद के जो लड्डू बनाए जाते हैं उसमें और भी चीज़ें डालते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, कुछ और अपने उसमें आटा वगैरह भी भून करके डाला जाता है, तो बहुत अच्छे लड्डू इसलिए होते हैं जोड़ों के लिए, क्योंकि जोड़ों में विशेष तौर पर सर्दियों के समय में वात का प्रकोप होता है। सर्दियों में वात का प्रकोप होता ही है, और जब वात बढ़ती है तो हमारे शरीर में जो है अकड़ाहट भी बढ़ती है, हमारे शरीर में जो दर्द भी बढ़ते हैं, तो इसलिए ये गोंद के लड्डू हमारे हड्डियों के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए, हमारे जो है मूवमेंट जो हमारी होती है उसमें बहुत फ़ायदा करता है। और तो गोंद कई प्रकार के होते हैं, उनमें अगर देखें तो कई प्रकार, जैसे गोंद कतीरा आपने नाम सुना होगा, वो एक होता है, या हींग का भी, हींग जो आपने प्रयोग किया है अपने रसोई में, वो भी एक प्रकार का गोंद ही है, वो पेड़ में से निकलता है, वो गोंद है एक प्रकार का। और इसके अलावा आम का गोंद होता है जो कि रक्त शोधन का काम करता है, फोड़े फुंसी में उसका प्रयोग होता है, और अनेक जो नीम का पेड़ है उसका भी गोंद होता है, उसका प्रयोग भी खून के रोगों में किया जाता है। लेकिन आज क्योंकि हम गोंद का प्रयोग यहाँ पर जोड़ों के लिए बता रहे हैं, तो जो गोंद के लड्डू हमारे यहाँ प्रेगनेंसी के बाद भी बनाए जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद भी वात का प्रकोप होता है कई प्रकार के हड्डियों में, खास तौर से जो हमारा पेल्विस है, जो गर्भाशय के इर्द गिर्द की जो हमारी बोन्स हैं हिप जॉइंट की, वो कभी कभार जो है हम देखते हैं कि उनमें पेन होना शुरू हो जाता है, तो वो उनको मजबूत करना है, क्योंकि वो ढीली होती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर, उनको मजबूत करने के लिए, मांसपेशियों को दोबारा से मजबूत करने के लिए हमारा जो गोंद का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो इसलिए जो है गोंद का प्रयोग जरूर करें और अपने जोड़ों को और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।